हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका AIIB एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है तो क्या आप प्रैक्टिस कर सकते हैं या नहीं। तो इस डाउट को हम अपने आज के इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इस केस में आपके पास दो कंडीशंस रह सकती हैं कि या तो आपने एनरोलमेंट करने से पहले ही गवर्नमेंट जॉब ले ली हो, तो फिर आप किसी भी स्टेट बार काउंसिल के अंदर खुद को एनरोल नहीं कर सकते हो। एंड सेकंड कंडीशन आपके पास ये आती है कि या तो आपने ड्यूरिंग एडवोकेसी, जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं कोर्ट के अंदर, या आपकी गवर्नमेंट जॉब लगती है, तो फिर आपको एज़ पर एडवोकेट एक्ट अपने लाइसेंस को अपने स्टेट बार काउंसिल के अंदर सरेंडर करना पड़ता है। ये चीज़ बेसिकली आप लोगों को पता होनी चाहिए, उसी स्टेट बार काउंसिल के अंदर जहाँ से आपने अपना एनरोलमेंट करवाया है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सरेंडर करने के बाद आपका लाइसेंस आपके हाथ से छिन गया है। ऐसा नहीं है, आप एडवोकेट रह रहे हैं कि नहीं, बल्कि ये जो है आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो सरेंडर करना होता है, इसका सिर्फ़ और सिर्फ ये मतलब होता है कि जब आप गवर्नमेंट जॉब के अंदर हो तब आप एडवोकेसी नहीं कर सकते हो। जब आप एक गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हो जाओगे या फिर रिज़ाइन दे दोगे या फिर आप वॉलेंटरी रिटायरमेंट ले लोगे अपना, तो फिर उसके बाद आप अपने लाइसेंस को दोबारा से ले सकते हो बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी एग्ज़ाम दिए। फिर से आप अपनी एडवोकेसी की जर्नी को दोबारा से स्टार्ट कर सकते हो। बेसिकली इस वीडियो का मोटिव यही है कि अगर कोई भी कैंडिडेट अपनी जॉब कर रहा है और वो ये चाहता है कि वो अपना प्रैक्टिस भी करे, तो देखिए ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि BCI का ये रूल है कि कोई भी एडवोकेट एडवोकेसी के दौरान किसी भी अनदर जो जॉब्स होती हैं गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट सेक्टर में, उसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकता है ड्यूरिंग एडवोकेसी। तो बेसिकली ये चीज़ बहुत कॉमन है और यही चीज़ जो है बहुत डाउट क्रिएट करती है। तो ये हमने वीडियो इसीलिए बनाई है कि जैसे बहुत सारे न्यू कैंडिडेट्स होते हैं उनको नहीं पता होता, जो न्यू एडवोकेट्स होते हैं, कि हम अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं, हम प्राइवेट जॉब में हैं, हम रिज़ाइन कर दें वहाँ से या फिर हम दोबारा से एग्ज़ाम दें। तो देखिए बेसिकली रूल होता है हर चीज़ का, तो ऐसे ही BCI ने रूल बना रखा है कि कोई इससे रिलेटेड एक केस भी चल रहा है, वो उसके ऊपर हमने वीडियो बना रखी है, बट उसका अभी जो फाइनल डिसीज़न है वो आना बाकी है। जब वो आ जाएगा तो आपको सेपरेट वीडियो मिल जाएगी कि जो हम एग्ज़ाम देते हैं AIIB का, सबसे पहले आप लोगों को AIIB का एग्ज़ाम देना होता है, फिर उसके बाद आप लोगों को अपना प्रैक्टिस शुरू करनी होती है, COP आप लोगों को मिलता है, उसके हद से आपकी प्रैक्टिस शुरू होती है। तो मेन मोटिव यही है कि जब आप एडवोकेसी कर रहे हो तो आपको किसी अनदर जो जॉब होती है गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट सेक्टर में आप जॉब नहीं कर सकते हो। ड्यूरिंग एडवोकेसी बोला है, यहाँ पर शब्द पर जोर दिया गया है, ड्यूरिंग एडवोकेसी। तो गाइज बेसिकली ये थी हमारी एक छोटी सी वीडियो आप लोगों को बताने के लिए कि किस तरीके से होता है, क्योंकि डाउट था। होप सो आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी देन प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।